है, फिर सेल्फी सॉफ्ट लाइट है, ग्रुप सेल्फी या आपको वाइड एंगल जिसे पैनोरामा मूव कहते हैं, फिर इस तरह से हो गया आपके पास वाइड एंगल सेल्फी जो 1 मेगापिक्सल से ली जाती है, 105 एंगल तक कैप्चरिंग एबिलिटी है जिसकी। फिर लास्ट पे अब बोकिंग मोड हो ये तो आरआईडीएम यूज कर रहे हैं कि जिससे डीएसएलआर का इफेक्ट आता है। यहां तक तो ठीक है, ये चीज मैंने भी नोटिस की कि फीचर बड़े अच्छे थे, लेकिन किसी बंदे को पता है कि जो हमारा V15 प्रो था उसके कैमरे पे जो वेट था वो कितना बर्दाश्त कर सकता है? कोई बंदा किसी को अंदाजा हो? सारे ऐसे पूछे हैं पता नहीं विकास आप इम्तिहान लेके